हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। आई एम श्योर आप जानते हैं कि 2022 XL6 और अर्टिगा में सेम पावर ट्रेन आती है और XL6 की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी अर्टिगा से ज़्यादा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका रीज़न XL6 के बड़े 16 इंच लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स हैं जो इसके लिए न्यूली डेवलप हुए हैं। अगर आप XL6 लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, ऑटोमेटिक और मैनुअल पावर ट्रेन की परफॉर्मेंस और प्राइसेस के बारे में बताएंगे। And we will also tell you कि आपको इसका कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। 2022 XL6 इसके पुराने वर्जन का मिड लाइफ कॉस्मेटिक अपडेट है, तो इसकी लुक्स में कोई मेजर अपग्रेड नहीं है। एट द फ्रंट इसकी ग्रिल का पैटर्न अब डिफरेंट है और इसके अराउंड क्रोम डिटेलिंग है। लुक क्लोजली एंड यू विल ऑल्सो फाइंड द फ्रंट पार्किंग कैमरा अंडर द सुजुकी लोगो। इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोटिंग कि अब इसमें लॉन्ग एंटेना नहीं आता जो पुरानी XL6 की रूफ के फ्रंट पार्ट में था। पहले की तरह अभी इसमें LED DRLs आते हैं और हेड लैम्प्स के लो और हाई दोनों बीम्स LED रिफ्लेक्टर टाइप हैं। इसके फॉग लैम्प्स भी LED टाइप हैं, बट टर्न इंडिकेटर्स आर स्टिल रेगुलर बल्ब्स और बम्प का डिज़ाइन भी पहले जैसा ही है। मूव टू द साइड और यहाँ पे 5 नोटेबल चेंजेस हैं। 16 इंच मशीन अलॉय व्हील्स, क्रोम डिटेलिंग ऑन द प्लास्टिक एलिमेंट ऑन द फ्रंट फेंडर, बॉडी कलर्ड OVMs विद साइड पार्किंग कैमरा और शार्क फिन एंटेना। बाकी सब डिज़ाइन एलिमेंट्स जैसे रूफ रेल्स, क्रोम डोर हैंडल्स और साइड क्लैडिंग विद सिल्वर फिनिश पहले जैसे ही हैं। एज फार एज द रियर डिज़ाइन इज कंसर्न, XL6 के टेल लैम्प्स अब क्लियर लेंस टाइप हैं विद ब्लैक इंटरनल्स दैट गिव देम अ स्मोकी इफेक्ट। टेल लैम्प्स का सोर्स अब भी LED लाइट्स हैं, बट टर्न इंडिकेटर्स आर रेगुलर बल्ब्स। इसके अलावा दो और चेंजेस हैं, द पोजिशनिंग ऑफ क्रोम डिटेलिंग जो अब सुजुकी लोगों के ऊपर है और रूफ स्पॉयलर जो पहले नहीं आता था। ओपन द बूट एंड विद ऑल सीट्स अप, XL6 में अब भी 209 लीटर्स की स्पेस है। सिंस इट स्टिल गेट्स एन एक्सपेंडेबल बूट फ्लोर, तो इसमें अब भी 6 पैसेंजर्स के साथ 4 लोगों का और 5 पैसेंजर्स के साथ 5 लोगों का लगेज इजीली आ जाएगा। अगर आपके इसकी बूट स्पेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो हमने रिसेंटली पुरानी XL6 की बूट स्पेस पे एक डिटेल्ड वीडियो की थी। वी आर श्योर इट विल बी एबल टू आंसर मेनी क्वेश्चंस। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओवरऑल XL6 के डिज़ाइन में कोई मेजर शीट मेटल चेंज नहीं है, लेकिन आप इसे पुरानी XL6 से विजुअली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे थैंक्स टू द लार्जर एंड मशीन्ड अलॉय व्हील्स एंड क्लियर लेंस टेल लैम्प्स। आई पर्सनली थिंक द न्यू टेल लैम्प्स ऑल्सो लुक स्पोर्टी। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। XL6 का इंटीरियर अभी ऑल ब्लैक थीम में ही है एंड देयर सिल्वर डिटेलिंग एंड मार्बल लाइक ट्रिम ऑन द डैशबोर्ड। इसके डैशबोर्ड पे सब जगह हार्ड प्लास्टिक है एंड फॉर अ कार जिसकी ऑन रोड कॉस्ट 12.5 से 16 लाख रुपीज तक है, I would have also liked some less plasticky, soft touch materials in the cabin. Anyway, talking of quality, तो इसके front center console और glove box की fitment satisfactory है। Glove box में इतनी space है कि यहाँ 2 से 3 pet bottles easily आ सकती हैं, but ये cooled नहीं है। Talking of storage space, तो इसके दोनों front doors में pockets हैं, एक sunglass holder है and because it gets a front armrest now, तो उसके अंदर भी छोटी storage space है for parking slips और change. इसके अलावा सेंटर कंसोल में गियर लीवर के आगे कूल्ड कप होल्डर्स और एक फ़ोन रखने की स्पेस है। इसके अराउंड एक USB चार्जर और एक 12 वोल्ट सॉकेट है। विद दिस अपडेट आई वुड हैव लाइक्ड अगर यहाँ एक और USB चार्जर भी होता। इसके साथ ही फ्रंट सीट वेंटिलेशन के स्विचेस हैं और ये 3 लेवल्स की वेंटिलेशन ऑफर करते हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि XL6 का सीट वेंटिलेशन सिस्टम AC की ठंडी हवा थ्रो नहीं करता, बल्कि इसके केबिन की एयर सक करता है, तो इसका फोकस स्वेट को सक करके ड्राई करना है एंड वी हैव टू से दैट इट इज़ इफेक्टिव। इसके ऊपर एयरकॉन स्विच गियर है जिसकी क्वालिटी एक्सेप्टेबल है, बट आई विल हैव लाइक देम टू बी वाइट बैकलाइट नाउ इंस्टेड ऑफ ऑरेंज। ये बैकलाइटिंग अब आउटडेटेड लगती है। मूव अप एंड यू गेट द 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद द अपडेटेड इंटरफेस। मारुति सुजुकी का कहना है कि XL6 में बड़ा 9-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसलिए नहीं आया बिकॉज इट कुड नॉट फिट इनटू दिस स्पेस, विच इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग क्योंकि वो टच स्क्रीन साइज वाइज भी बड़ा है एंड आई फील कि उसका टच इंटरफेस भी बेटर है। इस सिस्टम में इसके 360 डिग्री पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले है और इसकी कैमरा क्वालिटी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा टच स्क्रीन पे ही टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का डिस्प्ले भी है। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स स्टेयरिंग व्हील पे भी हैं और इनके अलावा यहाँ क्रूज कंट्रोल और टेलीफोनी कंट्रोल्स भी हैं।
इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसके MID की इन्फो एक्सेस करने के लिए इसमें अब भी फिजिकल पिन्स ही हैं एंड दीज लुक आउटडेटेड। ड्राइवर के परस्पेक्टिव से XL6 में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग एडजस्टमेंट, पैडल शिफ्टर्स विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल OIVMs विद ऑटो फोल्ड, मैनुअल डे नाइट IRVM और ऑटो स्टार्ट स्टॉप, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के शॉर्टकट बटन्स भी हैं। कंसिडरिंग इट्स प्राइस, यू वुड हैव ऑल्सो लाइक्ड इट टू गेट एन ऑटो डिमिंग IRVM नाउ। बिसाइड्स दीज फीचर्स, XL6 में अब येलो फुटवेल लाइटिंग, पडल लैम्प्स और फ्रंट साइड एयरबैग्स भी आते हैं। नाउ बिफोर वी हेड टू द रियर, आई हैव टू टेल यू कि मुझे XL6 की ड्राइविंग पोजिशन काफ़ी कॉन्फिडेंट लगती है, क्योंकि यहाँ से फ्रंट और साइड का व्यू अनऑब्स्ट्रक्टेड है। एडिशनली इसकी ड्राइवर सीट कंफर्टेबल है, सो इट इज़ गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। नाउ दैट आई हैव सेट द ड्राइविंग पोजिशन टू माई लाइकिंग, चलिए अब इसके रियर में चलते हैं। XL6 के रियर में इनग्रेस एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल है एंड यू कैन लिटरली वॉक इन टू द कार। बिसाइड्स द मार्जिनली इंक्रीज्ड ग्राउंड क्लियरेंस, इजी एंट्री और एग्जिट के लिए इसकी सीट बेस हाइट भी मोस्ट पैसेंजर्स के लिए अप्रोप्रिएट है। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि रियर पैसेंजर्स के परस्पेक्टिव से पुरानी और नई XL6 में कोई मेजर चेंज नहीं है। कंसिडरिंग दैट द XL6 इज अ कम्फर्टेबल कार फॉर रियर पैसेंजर्स और ये कैप्टन सीट्स के साथ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कार्स भी है, तो आई स्ट्रॉन्गली फील कि ये रियर विंडो कर्टन्स, मल्टीपल रियर USB चार्जर्स और फोन होल्डर्स डिजर्व करती है। बिसाइड्स रूफ माउंटेड एयर कॉन्वेंट्स, XL6 में मिडिल पैसेंजर्स के लिए एक 12-volt सॉकेट विद फोन स्टोरेज, फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स, डोर स्टोरेज और पावर विंडोज जैसे फीचर्स आते हैं। नाउ बिफोर आई सिट इन द थर्ड रो, मैं इसकी मिडिल सीट को इतना आगे एडजस्ट कर लेता हूँ कि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना भी मुश्किल ना हो और थर्ड रो के लिए भी मैक्सिमम पॉसिबल लेग स्पेस अवेलेबल रहे। चलिए अब इसकी थर्ड रो में चलते हैं। XL6 की मिडिल रो कैप्टन सीट्स टंबल नहीं होती, बट देयर इज अ लीवर जिसे यूज करके ये फॉरवर्ड रिक्लाइन और स्लाइड हो जाती हैं, लीविंग इनफ रूम टू एंटर द थर्ड रो। लाइक द सेकेंड रो, इनग्रेस इन द थर्ड रो इज ऑल्सो ईजी बिकॉज द केबिन इज नॉट टू हाई। लेकिन थर्ड रो से एग्जिट करते हुए लेग स्पेस लिमिटेड है एंड ईग्रेस इज नॉट वेरी कंफर्टेबल। इसकी थर्ड रो 50-50 स्प्लिट है और ये सीट्स मल्टीपल एंगल्स पे रिक्लाइन हो सकती हैं। इन सीट्स के बेस और बैक पे कुशन अच्छा है एंड यू डोंट सिट टू क्लोज टू द फ्लोर, सो इट इज़ पॉसिबल टू सिट हेयर कम्फर्टेबली। मेरे लिए यहाँ जस्ट इनफ हेडरूम है एंड देर आर एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स फॉर नेक सपोर्ट। यहाँ दो पैसेंजर्स के लिए एडिक्वेट शोल्डर रूम है और मेरे लिए जस्ट इनफ नी रूम और लेग स्पेस है। थैंकफुली मिडिल सीट्स के बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस है जिसे थर्ड रो के दोनों पैसेंजर्स अपने अकॉर्डिंग कम्फर्टेबली बैठने के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए इंडिविजुअल कप होल्डर्स भी हैं विद अ नॉन पैडेड आर्मरेस्ट। इसकी लेफ्ट साइड में एक 12-volt सॉकेट भी है। थर्ड रो पैसेंजर्स के परस्पेक्टिव से यहाँ USB चार्जर्स, फोन होल्डर्स और AC वेंट्स मेन मिसिंग फीचर्स हैं। हमारे अकॉर्डिंग XL6 की थर्ड रो एडल्ट्स के लिए भी यूजेबल है फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंसेज। ओवरऑल कंसिडरिंग XL6 प्राइस, वी वुड हैव लाइक्ड अ लिटिल मोर अपमार्केट वाइब इन द केबिन और फ्रंट और रियर पैसेंजर्स की कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ और फीचर्स होने चाहिए। दैट सेड, इट इज़ स्टिल अ वेरी कंफर्टेबल एंड प्रैक्टिकल कार जिसमें 6 लोग कंफर्टेबली बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। XL6 का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 103 PS की मैक्सिमम पावर और 136.8 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, सो द ऑन पेपर आउटपुट इज स्लाइटली लोअर देन बिफोर, लेकिन यह इंजन पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। लास्ट टाइम व्हेन वी ड्रोव द XL6 एक्सटेंसिवली, तो उसने हमें ओवरऑल 15-16 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दी एंड वी एक्सपेक्ट दिस न्यू पावरट्रेन टू बी स्लाइटली बेटर देन दैट। पुराने इंजन की तरह XL6 का ये इंजन भी रिफाइंड है, सो यू डोंट हियर इट्स नॉइज और फील मच वाइब्रेशंस इनसाइड द केबिन। एज फार एज इट्स लो एंड पुलिंग पावर इज कंसर्न, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये बिना एक्सेलरेटर प्रेस करे क्रॉल करती है और मैनुअल के केस में सिर्फ क्लच मॉड्यूलेट करके भी इसे फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। इसके 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के गियर शिफ्ट्स स्मूथ हैं और क्लच लाइट है, बट आई फील कि इसमें 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन होना चाहिए सो दैट इट कैन बी मोर रिलैक्स्ड एंड एफिशिएंट व्हाइल क्रूजिंग एट हाईवे स्पीड्स। अभी XL6 मैनुअल 100 किलोमीटर पर आर पे अराउंड 2700 RPM पे क्रूज करती है एंड द इंजन फील्स अ लिटिल स्ट्रेन्ड एट दिस RPM, ऑल्दो ये अभी भी अपनी पीक टॉर्क से नीचे ही रेव कर रहा है एंड इट डजंट फील अंडरपावर्ड। ऑल्सो इट इज़ वर्थ नोटिंग के कंसिस्टेंट 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे ये अराउंड 20 किलोमीटर पर लीटर की इंडिकेटेड
इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी डिस्प्ले करता है। ऑन द अदर हैंड, इसका 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 100 किलोमीटर पर आवर पे 6th गियर में अराउंड 2000 आरपीएम पे क्रूज करता है, और ऐसे में इसकी भी इंडिकेटेड फ्यूल एफिशिएंसी अराउंड 20 किलोमीटर पर लीटर ही है। सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू फ्यूल एफिशिएंसी, लेकिन XL6 ऑटोमेटिक ज्यादा रिलैक्स्ड क्रूज करती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के गियर शिफ्ट्स स्मूथ हैं और ये इंट्यूटिव भी है, सो डिपेंडिंग ऑन योर एक्सेलरेटर इनपुट ये शिफ्ट पॉइंट्स चेंज करता है। कैजुअल ड्राइविंग में इट विल अपशिफ्ट बिलो और अराउंड 2000 आरपीएम, लेकिन अगर आप इसे पुश करेंगे तो ये अपशिफ्ट 6000 आरपीएम तक भी स्ट्रेच कर देता है। इस ट्रांसमिशन में मल्टीपल ड्राइव मोड्स तो नहीं है, बट इट गेट्स अ मैनुअल मोड। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि मैनुअल मोड में स्टिक से गियर शिफ्ट्स का ऑप्शन नहीं है, सो यू हैव टू रिलाई ऑन पैडल शिफ्टर्स इन दिस मोड। पैडल से भी इसके गियर चेंजेस क्विक हैं, लेकिन मुझे लगता है मोस्ट सिचुएशंस में रेगुलर ड्राइव मोड ही कन्वीनियंट है। कंसिडरिंग द फैक्ट के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्रूजिंग मैनुअल के कंपैरिजन में ज़्यादा रिलैक्स्ड है एंड इट्स ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू यूज़ विद इन द सिटी, तो मुझे लगता है कि अगर आप इस कार को एक्सटेंसिवली चलाएंगे तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे अपग्रेड कर सकते हैं। मूविंग ऑन, XL6 के 16 इंच व्हील्स में अब लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स आते हैं, बट वी डिडंट नोटिस एनी कॉम्प्रोमाइज इन रोड ग्रिप और एक्सेसिव रोड नॉइज इन द केबिन। XL6 की राइड पहले भी कंफर्टेबल थी और अब भी है। इट ऑल्सो फील्स कॉन्फिडेंट वाइल मेंटेनिंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन द हाईवेज और चेंजिंग लेन्स। XL6 की ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे इसकी ब्रेकिंग भी एडिक्वेट लगी। ओवरऑल XL6 का न्यू इंजन इसके पुराने इंजन की रिफाइनमेंट को कैरी फॉरवर्ड करता है एंड इट शुड बी मोर फ्यूल एफिशिएंट एज वेल। इसके 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से इसकी क्रूजिंग एबिलिटी बेटर हो गई है, तो ऐसे बायर्स जो इससे फ्रीक्वेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्ट कर सकते हैं। वी वुड हैव ऑल्सो लाइक्ड अ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इन दिस कार, बट इवन विदाउट इट हमें लगता है कि देयर इज हार्डली एनीथिंग टू कंप्लेन अबाउट इन इट्स डायनामिक्स। चलिए अब इसके प्राइसेस और रेकमेंडेड वेरिएंट्स देखते हैं। XL6 के प्राइसेस अब 11.29 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं। इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशंस के साथ 3 वेरिएंट्स आते हैं, जीटा, अल्फा और अल्फा प्लस। तीनों वेरिएंट्स में मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का अपग्रेड 1.5 लाख रुपीस का है, विच इज ऑन द हायर साइड। न्यू XL6 के टॉप अल्फा प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट का प्राइस 14.39 लाख रुपीस है। XL6 के तीनों वेरिएंट्स में से जीटा बेस्ट वैल्यू ऑफर करता है एंड वी वुड रिकमेंड मोस्ट बायर्स टू गो फॉर दिस वेरिएंट ओनली। इसके ऊपर अल्फा वेरिएंट हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग अपनी 1 लाख रुपीस की इंक्रीमेंटल कॉस्ट का अराउंड 70% अमाउंट ही जस्टिफाई करता है, तो ऐसे बायर्स जो मॉडर्न डे फीचर्स के लिए वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वही ये वेरिएंट कंसिडर करें। अल्फा प्लस वेरिएंट हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव अपग्रेड है एंड यू शुड अवॉइड इट। ये वर्डिक्ट मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशंस के केस में वैलिड है। अगर आप XL6 की डिटेल्ड वेरिएंट वाइज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो की है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। XL6 के मिड लाइफ अपडेट में मारुति सुजुकी ने मेनली सेफ्टी फीचर्स और फ्यूल एफिशिएंट पावर ट्रेन्स पे फोकस किया है। विद दिस द प्राइस हैज ऑल्सो गॉन अप एंड टू बी ऑनेस्ट आई वुड हैव लाइक्ड अगर इसके केबिन में कुछ और रियर सीट फोकस्ड फीचर्स ऐड होते और ऐसे कॉस्मेटिक अपडेट्स आते जो इसे और अप मार्केट वाइब देते, बेसिकली टू जस्टिफाई द इंक्रीज्ड कॉस्ट। दैट सेड, विद एडिशन ऑफ मोर फ्यूल एफिशिएंट पावर ट्रेन्स एंड सेफ्टी फीचर्स लाइक साइड एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड हिल स्टार्ट असिस्ट फ्रॉम द बेस वेरिएंट ऑनवर्ड्स, XL6 एज अ पर्सनल कार अब डेफिनेटली पहले से ज़्यादा अपीलिंग है। और इसी के साथ खत्म होता है 2022 XL6 का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके XL6 से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके XL6 से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।